नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी, मैं हूं सत्यम। पंचायत चुनाव में चलाया जा रहा जनसंपर्क अभियान, सारी राजनीति सारी रणनीति हम आपको अपने टीवी पर दिखा रहे हैं, अपने चैनल पर सब कुछ सामने सामने से वाकिफ करवा रहे हैं। हमारे साथ अभी उसको पंचायत के निवर्तमान मुखिया हैं, ये इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं, चुनावी हाथ आजमा रहे हैं। जिस प्रकार से इनका पिछला कार्यकाल रहा उसी को देखते हुए जनता से वोट की अपील भी कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इनके क्षेत्र में पिछले 5 साल में किस प्रकार से विकास कार्य हुआ, कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो अभी भी ठप हैं, किन पर इनकी ज़्यादा निगाहें थी, कैसा विकास कार्य इनके क्षेत्र में होना अभी बाकी है, क्योंकि ये अभी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले समय में यदि ये जीतते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य इन्होंने सोच कर रखा होगा जिसे करवाने की इन्होंने ठानी होगी। सबसे पहले स्वागत है बावर जी हमारे चैनल पर आपका। हमारा जो है सोच है कि बड़ा बड़ा काम करे, पंचायत सरकार भवन बनाएंगे, हाई स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे और जो है हर खेत में किसान के बोरिंग लगाएंगे और जो है बहुत से आदमी को इंदिरा आवास नहीं मिला है इंदिरा आवास देंगे और काम तो कर चुके हैं। नल जल वाला काम हमारा पूरा चुका है, हर घर में पानी की टोटी पूरा पहुँचा दे पहुँचा चुके हैं, रोड नाला जितना सबको हम कम्प्लीट कर चुके हैं, इंदिरा आवास भी पूछ दिए हैं, बहुत सारे जो ऐसा बचा हुआ है 75% आदमी हमारा छुटा हुआ है इंदिरा आवास। मतलब कि बड़ा बड़ा काम करवाएंगे, इस प्रकार से यदि जनप्रतिनिधि सोचें कि समाज में इन सभी चीज़ों की जरूरत है और बड़े स्तर पर विकास कार्य होना चाहिए, ऐसे में कोई गलत बात नहीं है। यदि इस प्रकार की सोच प्रतिनिधि रखते हैं, समाज सेवक रखते हैं, तो इसमें गांव समाज का ही विकास है। पिछले 5 साल में आपने कौन कौन सा काम करवाया, आने वाले समय में आप अस्पताल बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, किसानों को सुविधा देंगे, गरीबों को सुविधा देंगे, पर पिछला 5 साल आपका कैसा रहा, आपने कौन कौन सा कार्य करवाया, कोई सड़क कोई नाला कोई भी ऐसी योजनाएं जिसका काम धरातल पर आपके समाज क्षेत्र में दिख रहा हो, जो यहाँ की जनता को समझ में आ रहा हो? कोटन रोड बना दिए, अपने गाँव का लादी बना दिए, हर घर में पानी का टोटी पहुँचा दिए, कहीं पर दिक्कत है इंदिरा आवाज दे दिए, जिसकी लड़की का शादी होता है मदद भी करते हैं, कहीं कुछ का दिक्कत आवाज। मतलब चुनावी रणनीति और राजनीति को छोड़ के आप सामाजिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं मदद करते रहते हैं? मदद करते रहते हैं। पंचायत क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है जो भी ग्रामीण लाभ होता है या सरकारी योजनाओं का जो लाभ यहाँ के लाभुकों को मिलता है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, इनसे कहीं ना कहीं बिचौलियों के माध्यम से पैसा उठाया जाता है, वसूला जाता है, और इन सभी बातों से आप नकार भी नहीं सकते। हर पंचायत में या हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो हम जानना चाहते हैं आपके दर्शक, हमारे दर्शक, आपकी जनता भी जानना चाहती है कि क्या आपके क्षेत्र में या आपके कार्यकाल में ऐसा कुछ बिचौलियों वाला या दलाल वाला सीन रहा, या आने वाले समय में यदि है तो इसे खत्म किया जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा, ऐसा कुछ उद्देश्य आपका? हम दलाल को पालवे नहीं किए तो दलाल कहाँ से लाएंगे, ये गाँव हमारा है, जनता हमारा है, जनता का हम खून नहीं करके भेजने वाले हैं। 15 साल मुखिया रहा चकदरिया मोहिनुद्दीन, हर जनता का खून निकाल के भेज दिए, वैसे हम जनता ने जो भी आए, औरत है, मर्द है, बच्चा है, बुढ़ा है, मुखिया जी दस्तखत की जरूरत है उसका 5 करोड़ का कहीं दस्तखत दे के, ये किसी कैबिनेट वाले का 5 रुपये दे या 5 करोड़, ये जनता हमारा उस पंचायत में कोई जनता शिकायत नहीं कर सकता। हम विकास किए हैं, जनता का विकास का वोट मांगते हैं। नहीं, आने वाले समय में आप किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं कि आने वाले समय में आप विकास कीजिएगा, या पुराना जो आपका पिछला 5 साल का कार्यकाल है उसमें आप ऐसा विकास किए, ऐसा काम किए जिसको दिखाकर आप वोट मांग रहे हैं, कैसे वोट मांग रहे हैं, क्या मुद्दा इस बार के चुनाव का? आने वाला समय में तो इससे बड़ा बड़ा काम करेंगे, इससे आने वाला समय में बड़ा बड़ा काम करेंगे, जनता को कहीं दिक्कत ना हो, जनता का साथ, जनता के विकास करेंगे, जनता के साथ रहेंगे, जनता। बावर जी एक बात और, क्या अपील करना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों से, जो आपके वोटर हैं, जो आपके आपको अपना मत देंगे, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चुनना चाहिए, कैसे प्रत्याशी को अपना वोट देना चाहिए? जनता की जनता के क्षेत्र की जनता चुन चुका है, जनता चुन चुका है, 17 तारीख को रहिएगा काउंटिंग में, 15 को चुनाव है, 17 को काउंटिंग। तो अभी से आपको ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से आपका पुराना कार्यकाल रहा, पुराना काम रहा, जनता निर्विरोध आपको जनता चुन चुकी है, जनता की परेशानी ने जनता चुन चुका है, 17 तारीख को अब रहिए काउंटिंग में, बता दें। तो आने वाले समय में आपको कौन कौन सा सौगात देने वाले हैं आप, यदि जनता आपको जिताती है तो कौन कौन सा, स्कूल अस्पताल आपने बताया, ऐसा कुछ और एक विकास कार्य अपने समाज में देने वाले हैं, ऐसा कुछ सौगात, क्योंकि जीत आपका दूसरा रीजन होगा, अभी अपनी वर्तमान मुखिया हैं तो 10 साल का कार्यकाल हो गया आपका, होगा आपका, ऐसे में आप कोई बड़ा विकास कार्य भी कर सकते हैं, आपने बताया पंचायत भवन या अस्पताल, क्या सौगात दीजिएगा? पंचायत सरकार भवन देंगे, हॉस्पिटल देंगे, हाई स्कूल देंगे, और जब छोटा बड़ा काम है पुल है पुलिया उसको कराएंगे, हर कब्रिस्तान का घेराबंदी कराएंगे,
अच्छा कब्रिस्तान में जा रहा हूँ। ये थे हमारे साथ उस्तू पंचायत के निवर्तमान मुखिया पावर। इन्होंने बताया कि पिछला 5 साल का इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा। इन्होंने विकास किया, हर जगह के सड़क नाली इन सभी चीज़ों का निर्माण करवाया, जनता को जो भी चीज़ की जरूरत पड़ी इन सभी समय में जनता का साथ दिया। जनता का क्या मूड है ये 17 तारीख को पता चलेगा। जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, किसे अपना कीमती वोट देती है, इन सभी चीज़ों पर से पर्दा 17 तारीख को हटेगा। फिलहाल जो जैसा पिछला कार्यकाल रहा उसको लेकर कहीं ना कहीं मुनाफा होता है। यदि प्रत्याशी अपने पुराने कार्यकाल में सही काम करते हैं, अपने सत्तेमय होने के बावजूद अच्छा काम करते हैं, विकास करते हैं, तो अगले चुनाव में जनता उन्हें जरूर अपना समर्थन और वोट देती है। हमारे साथ बाबर जी के कुछ समर्थक हैं जो इनके वोटर भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन विषयों पर इन्होंने बाबर जी पर यकीन कर रखा है और उन्हें ये वोट देंगे, क्या क्या चीज़ उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, कैसा विकास कार्य इनके समाज में होना चाहिए। तो इनके समर्थकों से जानेंगे कैसा काम रहा पिछला 5 साल का और आगे ये क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र। देखते रहिए लगातार आपसे उसकू पंचायत के निवर्तमान मुखिया बाबर अली हमारे साथ। उन्होंने बताया कि इनका पुराना कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा, इन्होंने विकास कार्य किया और आने वाले समय में ये बड़े बड़े विकास के मुद्दे सोच कर रखे हैं जिस पर ये काम करने वाले हैं। इनके हमारे साथ इनके कुछ समर्थक हैं, एक वृद्धजन है जो इसी गाँव के रहने वाले हैं, इसी पंचायत के, और इनके वोटर भी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं, आखिर कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको। हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं समाज की सेवा के साथ समाज का, गांव का, पंचायत का विकास हो, और इसके द्वारा मैंने अभी तक जो देखा है बहुत विकास के साथ किया है और मेरी आशा है कि ये आने वाले समय में भी जो इनकी तमन्ना है कि हम हाई स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, पंचायत भवन बनाएंगे, ये सारी इनके विकास में मिलता है। मैं इसका समझता हूँ। पिछला 5 साल आपको विकास दिखा अपने पंचायत में? 5 साल में विकास को देखा कि गली गली में रोड बन गया, नाली बन गया, पानी आ गया, बिजली की भी जल गई सब जगह, ये तो मैंने अपना। अच्छा, तो ऐसा विकास, और आप तो 3-4-5-10 मुखिया देख चुके होंगे, बूढ़े आदमी हैं आप, बुजुर्ग हैं, ऐसा विकास को और मुखिया किया था आपके क्षेत्र में कभी? इस तरह का विकास हमारे गाँव में नहीं हुआ कभी। और एक वृद्ध जाने से बात, हाँ चाचा क्या बोल रहे थे आप? बाबा मुखिया जी धन्यवाद है, बाकी आप पब्लिक चाहिए, आज तक कोई बुरा नहीं किया है। बसी नीचे हम बसी मुखिया थे 10 साल, हम हार गए, हारने के बाद फिर दूसरा मुखिया खड़ा हो गया, वही बसी उद्दीन, हमको गिराने के लिए बाबा मुखिया को अली को ब्लॉक में जाते हैं आते हैं। अभी इस टाइम में कजरिया मुखिया, बसी मुखिया, बसी उद्दीन और महीन मुखिया भुगतान है, बनना है चिन्ना गाँव का मुखिया बाबा हमारा समझी है, ऐसी बसी भाई मुखिया हम खड़े हैं। आगे भी सिर्फ टीवी पर हम चुनाव की सारी गतिविधि आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए सिर्फ टीवी। फेसबुक पर यदि आप देख रहे हैं वीडियो तो हमारे पेज को लाइक करें, और यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।